आज के टाइम में जितने भी गेमर्स हैं सभी PUBG के दीवाने हैं, और एक स्मार्टफोन में PUBG खेलने के लिए क्या खूबियां होनी चाहिए? अच्छा प्रोसेसर, बड़ा डिस्प्ले, लंबी बैटरी, ज्यादा रैम। एग्जैक्टली। हाल ही में खबर आई है कि OPPO बहुत जल्द भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन लेके आने वाली है, जिसका नाम है OPPO F11 Pro। ये फोन मार्च में लॉन्च हो सकता है और इसे कुछ दिनों बाद सेल पर भी चला जाएगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम OPPO F11 Pro, और हम ये भी देखेंगे कि क्या ये फोन PUBG लवर्स की छोटी मोटी परेशानियों को सॉल्व कर पाएगा या नहीं। OPPO F11 Pro को लेकर हमारे पास लगभग सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको गेम से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ। तो आपको बता दूँ कि माना जा रहा है कि कंपनी इस फोन में कलर OS के नए वर्जन को पेश कर सकती है, यानी कलर OS 6.0 आपको इसमें देखने को मिल सकता है, जिसमें इस बार कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए जाएंगे, जैसे कि गेम असिस्टेंट, गेम स्पेस और गेम स्पीच एनहेंसमेंट। अगर इनको विस्तार में जाने तो गेम असिस्टेंट में आपको एकदम इमर्सिव विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी जो गेम आप खेल रहे हैं उसमें टेक्स्ट या लोकेशन है वो आपको काफ़ी डिटेल दिखाई देंगी और इम्प्रूव भी होंगी। वहीं गेम स्पेस की बात करें तो इसकी हेल्प से आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ जो गेम आप खेल रहे हैं आप उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और आप अपने इन मोमेंट्स को जब चाहे देखें या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वहीं बात करें हम गेम स्पीच एनहेंसमेंट की, तो इसमें जो भी साउंड इफेक्ट्स या भी एक्स्ट्रा ऑडियो जो भी होगा वो आपको एकदम रियल लाइफ लगेगा। सॉफ्टवेयर के अलावा OPPO F11 Pro आपको हार्डवेयर के मामले में भी बिल्कुल निराश नहीं करेगा। जी हाँ, खबर आई कि कंपनी इस फोन को मीडियाटेक के हीलियो P70 चिपसेट पर पेश कर सकती है, जिसमें आपको 6GB की रैम देखने को मिल सकती है। और हम सभी जानते हैं कि P70 चिपसेट हीलियो P60 का अपग्रेड संस्करण है, और डेफिनेटली ये उससे आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस देगा। यानी आप देख सकते हैं कि अगर आप PUBG लवर हैं तो सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर मिला के आपको इसमें एक बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। एक अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए बड़ी बैटरी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दूं, अटकलों के मुताबिक OPPO F11 Pro में 4000mAh की बैटरी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी बैटरी आपको ज़्यादा लंबा गेमिंग एक्सपीरियंस मुहैया करवाएगी। साथ साथ माना जा रहा है कि कंपनी अपने इस फ़ोन में इस बार वुक चार्ज का नेक्स्ट लेवल यानी वुक चार्ज 3.0 मुहैया करवा सकती है। तो डेफिनेटली अब आपकी बैटरी बड़ी तो है, साथ साथ चार्जिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब जैसा कि शुरू में ही कहा गया था कि एक अच्छे PUBG फ़ोन में बड़ा डिस्प्ले होना भी अनिवार्य है। माना जा रहा है कि OPPO F11 Pro में 6.5 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले हो सकता है, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो शायद 90.90 हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना बढ़िया स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होने की वजह से बेजल्स आपको बहुत ही छोटे दिखाई देंगे और आप इसमें अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे। अब इन सभी फीचर्स को देखकर ऐसा लगता है कि OPPO F11 Pro गेमिंग लवर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन फ़ोन साबित हो सकता है। हालांकि जो फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताए ये पूरी तरह से लीक्स के तौर पर हमारे पास आए थे और मैंने आपके सामने इन्हें पेश किया, पर जैसे ही हमें इस फ़ोन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चलेगी या फिर ये फ़ोन हमारे पास आएगा, हम डेफिनेटली इसका एक डिटेल रिव्यू वीडियो लेकर आएंगे। इनफैक्ट आपको बता दूँ कि OPPO F11 Pro गेमिंग ही नहीं बल्कि दूसरे एस्पेक्ट में भी खरा उतर सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि इसमें आपको 48+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा और राइजिंग सेल्फी कैमरा हो सकता है। पर एनीवे, अगर आपको इस फोन के लिए कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमसे चैट करने के लिए आप इन दी गई आईडी पर जाकर जुड़ सकते हैं या फिर मेरी पर्सनल आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।